definition of differentiation. Differentiate और integrate calculus के जो हमारे syllabus में ये दो ही parts हैं, integration and differentiation. अब differentiation का मतलब अगर हम समझे ना वैसे जर्नल, तो चीजों को differentiate का मतलब है maximum और minimum criteria जो बता रही है ना हमें चीजें कि कितना maximum जा रही है कितना minimum. इसका मतलब कोई भी चीज मैक्सिमम कब होगी मिनिमम क्या होगी, तो इसका मतलब चेंज है किसी भी ऑब्जेक्ट में. इसका मतलब क्या है, चेंज है भाई. अब इंटीग्रेशन साथ के साथ थोड़ा सा बताता हूं मैं. इंटीग्रेट का मतलब क्या है, कुछ चीजों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है ना, बात मर्ज कर देते हैं, तो दैट मीन्स इंटीग्रेट फॉर्म ऑफ ए ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड. तो यहां से पहले डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं. अगर चेंज आ रहा है कुछ चीजों में, मे बी मैक्सिमम मे बी मिनिमम मे बी बिल्कुल स्लाइट बहुत ज्यादा कम, ठीक है ना बात, तो चेंज कब आएगा, जब कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में आएगी, अंडरस्टैंड. तो डेफिनेशन क्या कहती है, चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट. सिर्फ ये डेफिनेशन है, चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट any object with respect to other object. Other object. वैसे हम इसे जर्नल क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है ना बात. तो ये कहता है चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले इसका ऑपरेटर देखते हैं हम, डिनोटेड कैसे किया जाएगा भाई इसे. तो ये कहता है कि डिफरेंशिएट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, तो डी वाई बाय डी एक्स सबसे पहली फॉर्म होती है हमारी ये. यहाँ पे ये कहता है कि चेंज इन वाई, किस में चेंज है भाई, वाई में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में. ओके, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई with respect to x, derivative of y with respect to x, ठीक है ना बात. तो differentiation of y with respect to x, understand? तो हम क्या कह सकते हैं, change in y with respect to x. अब change किस में आ रहा है भाई, y में. तो problem क्या रहेगी जब हम solution करेंगे, तो इसका मतलब d by dx किसका काम कर रहा है, एक ऑपरेटर का काम कर रहा है. d by dx किसका काम कर रहा है, ऑपरेटर का. किसे ऑपरेट कर रहा है, वो y को ही तो ऑपरेट कर रहा है. इसका मतलब जब तक d by dx ऑपरेट नहीं करेगा तो y में चेंज नहीं आ सकता ना. तो ये किसका सिंबल है, डेरिवेटिव का, अंडरस्टैंड, डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x. तो मैं यहां पे अगर b लगा देता हूं तो दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, अंडरस्टैंड. सबसे पहली बात है इसका सिंबल. ओके, अब ये कहता है जब हम हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो यहां से मैं इसे फिर रफ कर रहा हूं. सबसे पहले सिर्फ हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का या फिर किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो डिनोटेड बाय डी वाई बाय डी एक्स, या फिर इसे वाई वन से भी डिनोट कर सकता है भाई, या फिर इसे एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकता है भाई, अंडरस्टैंड, ठीक है. अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करता है तो दैट मीन्स डी टू वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर, टू टाइम्स डेरिवेटिव किसका है यहाँ पे, वाई का. जब हम एक बार कर चुके होंगे डेरिवेटिव, दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई टू, और हम इसे एफ डबल डैश एक्स से डिनोट कर सकते हैं. ओके, नाउ अब जब हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो हम किसी भी फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, एंथ टाइम. तो एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा हमारा डी एन वाई बाय में डी एक्स रेज टू पावर एन वाई एन एफ ऑफ
एंड एग्जिस्ट्स। अंडरस्टैंड? तो ये इसकी सिंबोलिकल फॉर्म्स है। अगर मैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, एक बार कर रहा हूँ, तो मैं उसे dy by dx से डिनोट कर सकता हूँ, y1 से कर सकता हूँ, f डैश x से कर सकता हूँ। ओके, अब हमारा जो सिलेबस है उसमें ओनली फॉर ओनली एल्जेब्रिक फॉर्म्स है, ठीक है ना बात, जिसके लिए सबसे पहला जर्नल फॉर्मूला हमारा बनता है x रेज टू पावर n के लिए। x क्या है भाई? कोई भी वेरिएबल है, ठीक है बात। एक बार फिर से बात करते हैं इस पे कि x क्या होता है। x, y, z क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड। और उसके अलावा a, b, c, d, 1, 2, 3, 4 आर कॉन्स्टेंट्स, अंडरस्टैंड। और उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स की फॉर्म्स आती है हमारे पास। पैरामीटर मीन्स जो चेंज भी हो सकते हैं किसी दूसरे की फॉर्म में और नहीं भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना बात, क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर से लेके nth ऑर्डर तक सिर्फ और सिर्फ डिनोटेशंस। ओके, नाउ इसके बाद है सम ऑपरेशंस, किस तरह से ऑपरेट करेगा डेरिवेटिव। सबसे फर्स्ट कंडीशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। अगर हमें डेरिवेटिव करना है किन्हीं भी दो फंक्शंस का, एफ एक्स प्लस में जी एक्स का, ओके, एफ एक्स प्लस जी एक्स, फर्स्ट कंडीशन है वही ऑपरेशंस ऑन डेरिवेशन। तो ये कहता है कि हम डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस का अलग अलग निकाल सकते हैं। इन्हें पहले मर्ज करने की बजाय, ऐड करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर है वही, फर्स्ट का अलग से प्लस में सेकंड का, एडिशन फॉर्म है। इसका मतलब अगर सब्ट्रैक्शन है तो दो फंक्शंस के बीच में डिफरेंस है तो भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग का डेरिवेशन हम निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, अंडरस्टैंड। अब सेकेंड फॉर्म कहता है कि अगर हमें डेरिवेटिव करना है कभी भी किसी कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल फॉर्म का, ओके, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल फॉर्म का, तो कॉन्स्टेंट के कभी भी डेरिवेटिव नहीं होते हैं। देखो डेरिवेशन की जो हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो चीजें खुद को बदलना नहीं चाहती हैं उनका डेरिवेटिव क्या होगा, कुछ भी नहीं, इसका मतलब जीरो हो जाएगा हमेशा, क्योंकि वो खुद को क्या नहीं चाहती हैं, बदलना नहीं चाहती हैं। तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट एज इट इज बचता है, जब हम वेरिएबल के साथ उसे ट्रीट कर रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंट एज इट इज और सिर्फ डेरिवेशन किसका, वेरिएबल फॉर्म का, ओके। वेरिएबल मीन्स एक्स की ही फॉर्म तुम्हें मिलने वाली है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एटसेट्रा, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ी देर में उनके, ठीक है। थर्ड फॉर्म है अगर हमें डेरिवेटिव करना है ओनली कॉन्स्टेंट फॉर्म का, भाई कॉन्स्टेंट मीन्स जो बदलना नहीं चाहते, तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, ओके। फोर्थ वन, इसे हम प्रोडक्ट रूल भी पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, ओके। डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस जब हमारे पास प्रोडक्ट में होंगे, दैट मीन्स एफ एक्स और जी एक्स की जगह मैंने किसको चेंज कर दिया, यू एंड वी को। अगर एडिशन में थे तो हम अलग अलग का कर रहे थे भाई, सब्ट्रैक्शन में थे तो अलग अलग का कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब भी दो फंक्शंस आएंगे तो दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल। तो इसके लिए रूल क्या अप्लाई होता है, फर्स्ट होता है जो वो एज इट इज और डेरिवेटिव सिर्फ सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है बात। आप इसे डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से भी, ठीक है ना बात। तो मतलब फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना बात, ओके। फर्स्ट सेकंड का डेरिवेशन हुआ तो इसका मतलब सेकंड एज इट इज फर्स्ट का हुआ, या फिर इन्हें भले ही इंटरचेंज कर लें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस बात से। अगर यहाँ पे
दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पे ये अप्लाई हो सकता है, तो 3, 4, 5 सभी पे ये अप्लाई हो सकता है। सिमिलर मेथड रहेगा जैसे डी बाय डी एक्स ओ यू वी एंड डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, किसी एक को एज इट इज रखा, किसी एक का डेरिवेटिव किया। अगर अब 3 फंक्शंस हैं हमारे पास तो फर्स्ट एज इट इज रखता हूँ, सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव सिर्फ किसका, थर्ड का, ठीक है। इन्हीं दो को बचा लिया मैंने, तो प्लस में फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सिर्फ सेकंड का और थर्ड भी एज इट इज रखता हूँ यहाँ पे, ओके। एंड प्लस में डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट का और नेक्स्ट लास्ट टू को एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है ना बात। तो ये प्रोसेस हम किस पे 3, 4, 5 फंक्शंस सभी पे चला सकते हैं आराम से, ठीक है ना बात। इसके बाद है ओके प्रोडक्ट रूल, नेक्स्ट है डिवीजन फॉर्म, क्वेश्चन रूल, अंडरस्टैंड, यू बाय बी की फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ यू बाय बी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर बोल सकते हैं, ठीक है ना बात। तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ओके क्लियर। ये था प्रोडक्ट रूल, ये है क्वेश्चन रूल। चैन रूल अप्लाई होता है लेकिन चैन को हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, डायरेक्ट जब हम फॉर्मुलेशन फॉर्मूले करने वाले उसी में देखेंगे उस चीज को किस तरह से। अब सबसे पहले जर्नल फॉर्मूला इसका जो सबसे मेन है, ओके मेन, यही एलजेब्रिक पे सिर्फ एक ही बात अप्लाई होती है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन के लिए, ओके। तो भाई हम ऑपरेट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ हमें दो ही बातें ध्यान रखनी है कि पावर फ्रंट में आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे चैन रूल की बात करते हैं तो हमेशा अप्लाई होता है इनसाइड द पावर टर्म का अगेन डेरिवेटिव, ओके, जो कभी भी फार्मूले में, इस फार्मूले में तुम्हें लिखी हुई नहीं मिलेगी वो चीज, पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई हमने। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल रेज टू पावर है, तो एक्स रेज टू पावर थ्री का अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो बिल्कुल सिंपल है, पावर हम आगे लेके आते हैं भाई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो स्क्वायर, ओके। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर माइनस फाइव, तो भाई पावर इन फ्रंट, तो पावर फ्रंट में आई और माइनस फाइव में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई कितना आ गया, माइनस सिक्स, ठीक है ना बात। तो एक्स रेज टू पावर माइनस सिक्स, ओके। इसी तरह से अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स, तो दैट मीन्स इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, डी बाय डी एक्स एक्स रेज टू पावर कितना है वही यहाँ पे 1/2, तो पहले अभी तक देखो ऑपरेटर साथ में चल रहा है, हमने ऑपरेट नहीं किया है, डेरिवेटिव नहीं किया है, तो नाउ पावर इन फ्रंट, ठीक है बात, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ, ओके, तो माइनस 1/2, और ये हम पढ़ चुके हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में, तो 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं वही हम इसे, ठीक है बात। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है बात। इसके लिए अब जर्नल फॉर्म क्या बन जाती है, जब भी रूट की फॉर्म्स आती है ना हमारे पास तो वो किसके इक्वल, 1/2 रूट ऑफ दैट कंडीशन, लेकिन चैन के रिगार्डिंग आगे चलेंगे तो हम इनसाइड द पावर टर्म अगेन डेरिवेटिव होगा, अभी तक सिर्फ इसी बात पे रुकेंगे हम, क्लियर है, सिर्फ एलजेब्रिक की पावर्स पे, ओके। डी बाय डी एक्स ऑफ, मैंने क्या कहा था, कोई भी दो फंक्शंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
डी बाय, एग्जाम्पल ले रहा हूँ वही मैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर। ठीक है बात, तो पहले सिर्फ पल्स प्लस पे ही बात कर लेते हैं, माइनस पे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना बात। तो यहां से देखो क्या मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ, दोनों फंक्शन एक तो स्क्वायर में है और एक क्यूब में है, तो यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसके रिगार्डिंग। ये क्या कहते हैं कि हम अलग अलग पार्ट्स का डेरिवेटिव कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्म में ये ऑपरेटर अभी तक लिखा है, इसका मतलब मैंने यहाँ ऑपरेट नहीं किया है, डिफ्रेंसिएशन नहीं निकाला है प्लस में। इसके बाद ऑपरेशंस में मैंने लिखा था कि डी बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल। ओके, तो उसके लिए हमने क्या ऑपरेट किया था कि कॉन्स्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और सिर्फ डेरिवेशन किसका होगा, वेरिएबल फॉर्म्स का ही निकाला जाए। ठीक है बात, तो यहां से देखते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन है भाई, सभी को पता है कॉन्स्टेंट्स का, और एक्स क्यूब क्या है, एक वेरिएबल है। तो पहले मैं क्या करूं, थ्री बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक बार सेम प्रोसेस से ही चलें, स्किप ना करें, ठीक है ना बात। उसके बाद यहाँ से देखते ही रिजल्ट तुम्हें मिलने स्टार्ट हो गए, लेकिन पहले प्रोसेस। ओके, तो देखते हैं भाई, अब ऑपरेट करते हैं हम इसे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया भाई, पावर आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया, टू एक्स प्लस थ्री इंटू, ऑपरेटर जैसे ही हटेगा तो किस फॉर्म में आएंगी नेक्स्ट फॉर्म्स, प्लस माइनस लगा देते हैं हम कई बार, वो गलत हो जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो कितना आ गया भाई, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स प्लस में नाइन एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई, तो इसमें एडिशन और मे बी सब्ट्रैक्शन विद कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल फॉर्म्स है। ओके, चलो तो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रोडक्ट रूल पे देखते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर फाइव। क्या आप यहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई करना समझेंगे मुझे, नहीं समझोगे ना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम x रेज टू पावर 7 हमें पता है इस चीज का तो बिल्कुल अंडरस्टैंड, लेकिन सिर्फ x वेरिएबल के लिए ही तुम्हारे पास ज्यादा क्वेश्चंस क्या हैं x की फॉर्म पे ही मिलेंगे। ये अभी हमने चैन की फॉर्म नहीं की है, यहाँ पे चेंज हो सकता है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 4 इज 5, अंडरस्टैंड, तो वो क्या होगा, अगेन डेरिवेशन ऑफ इनसाइड द पावर टर्म। एक बात और हम ऐड करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो यहाँ से वैसे अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो किसका निकाले भाई, x रेज टू पावर 7 का ही निकालें, तो कितना आ गया, 7x रेज टू पावर 6, ऑपरेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब बाय प्रोडक्ट रूल चलते हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो फर्स्ट क्या कहा था मैंने, एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ सेकंड, ओके, प्लस में सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका भाई, फर्स्ट का। क्लियर है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर इनटू, तो क्या लिख सकता हूँ, 5 एक्स रेज टू पावर, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई मैंने पावर में से, प्लस एक्स रेज टू पावर 5 इनटू 2x ओनली। क्लियर है भाई, तो कितना आ गया, 5 तो कॉन्स्टेंट है, आगे रख सकते हैं, वेरिएबल्स दोनों का बेस सेम है, तो x रेज टू पावर 6 प्लस 2 टाइम ऑफ x रेज टू पावर, तो दैट मीन्स 7x रेज टू पावर 6। ओके, क्लियर, सिर्फ एक वेरिएबल पे मैंने ये बताया, अंडरस्टैंड, हो सकता है आगे फिर नेक्स्ट में देखेंगे हम इस तरह से, डी बाय डी एक्स ऑफ ओनली एक्स क्या आएगा भाई, आराम से सोचे, ठीक है, क्यों आया पता चल गया होगा सभी को, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1, ठीक है ना बात, तो पावर इन फ्रंट
और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, एक्स रेज टू पावर जीरो। ओके, अब जो हमने जनरल फार्मूला लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, वहां पे अगेन डेरिवेशन की बात नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उसका रिजल्ट वन आ जाता है, ठीक है ना बात। एग्जैक्ट फॉर्म अब हम ये क्या चेंज करते हैं, पावर फ्रंट में आ गई भाई, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट हो गया एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द पावर टर्म। ये टर्म मैं बार बार यूज करूंगा, इनसाइड द पावर टर्म कौन है भाई, एक्स, ठीक है ना भाई। तो इसे अब हम किस फॉर्म में रिप्लेस करते हैं, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन में, क्लियर। तो क्या कहता है, पावर इन फ्रंट। जब भी लीनियर कंडीशंस है ना तो सेम ऑपरेट रहेगा, बिल्कुल सेम ऑपरेशंस अप्लाई रहेंगे रेज टू पावर्स में, तो पावर इन फ्रंट, ठीक है ना बात। और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो भाई एन माइनस वन। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द पावर टर्म, ठीक है। इनिशियल टू स्टार्ट रखें, एक्स रेज टू की एक्स रेज टू पावर एन पे भी आगे से क्या करेंगे, ये बात हम बोलते हुए चलेंगे हमेशा, ठीक है, अच्छे से रिमेम्बर हो जाएगी हमें। तो इनसाइड द पावर टर्म का कितना आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है बात। तो इसका मतलब एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन, भाई पहले कौन सा रूल अप्लाई होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना बात। तो मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी ओनली, तो एन टाइम ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। हाँ भाई, क्या लिखा जाए सबसे पहले, ए और एक्स कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, तो वहां पे क्या था, कॉन्स्टेंट एज इट इज और डेरिवेटिव ओनली वेरिएबल का। बी का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, जीरो, क्योंकि बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्लस में जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऑपरेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, वन, ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन इंटू ए इंटू वन, ठीक है, प्लस जीरो करेंगे तो ए ही बचेगा, तो कितना आ गया भाई, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। ओके, तो अब डायरेक्ट ये क्या कहता है, अगर लीनियर फंक्शंस है ना हमारे, तो पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कौन था, ओनली ए, ठीक। वैसे अगर ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं डायरेक्ट ना लिखने की जगह एक बार करें तो आफ्टर दैट अपने आप पता चलता चलेगा, क्लियर है यहां तक की बात। इसके बाद है भाई हमारे पास, ओके, इम्प्लिसिट फंक्शंस किन्हें बोल रहा है ये भाई, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना बात। अगर देखो मैं बात कर रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शंस की, कर दूं भाई सिर्फ, सबसे पहले हम एलजेब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, एक्स रेज टू पावर्स के बारे में, ठीक है ना बात। तो एलजेब्रिक फॉर्म्स, इनमें सिर्फ वो किन्हें काउंट कर रहा है, पॉलिनोमियल्स को, जैसे कि एक्स रेज टू पावर एन में एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, सो ऑन, सिर्फ वेरिएबल की पावर्स में, ठीक है ना बात, एलजेब्रिक्स में रखेगा वो। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में सिर्फ दो फॉर्म्स को ही रखेगा वो, e रेज टू पावर x एंड a रेज टू पावर x, ओके। थर्ड जो हम इसमें टाइप पढ़ेंगे लोगेरिथम, लोगेरिथमिक फंक्शंस, ओके, जो कि वो बात करेगा लोगरिथम ऑफ एंगल के बारे में, लोगरिथम ऑफ एन, लोगरिथम ऑफ एक्स क्यूब एटसेट्रा, ठीक है ना बात। कॉन्स्टेंट तो जैसे ही आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ टू के बारे में बात करेगा डेरिवेशन में तो वो तो जीरो हो ही जाएगा हमारा, ठीक है ना बात। मेन तो है तुम्हारे
इन तीनों पे काम कर रहा है वो यहाँ पे मिलेंगे। एक फोर्थ उसने रखा जो लॉगरिथमिक पे ही बेस रहेगा, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की कंडीशंस हैं वो, जैसे कि एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स रेज टू पावर वाई और वाई रेज टू पावर एक्स की फॉर्म्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, एक्स रेज टू पावर कॉन्स्टेंट है, एन है, और एक्स रेज टू पावर एक्स ही है, मतलब एक्स की पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल्स एंड वेरिएबल रेज टू पावर कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा वहां पे, क्लियर है बात। मैं अब था इम्प्लिसिट फंक्शंस पे, इम्प्लिसिट फंक्शंस भाई इस पे बेस क्वेश्चंस हैं कुछ। इम्प्लिसिट फंक्शंस किन फंक्शंस को बोल रहा है, जब वो एक्स और वाई को मर्ज करके देगा, दैट मीन्स फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। कोई भी इक्वेशन जब मिक्स करके लिख दी जाए तो ज्यादातर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब समझ रहे हो ना, इसका डेरिवेशन निकालना है हमें। वी नो दैट एफ एक्स इज ऑल्सो इज इक्वल टू वाई, ओके, तो इसका डेरिवेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कंप्लीट सॉल्यूशन हम ऐसे ही करते हैं इसका, तो dy/dx ऑफ एक्स क्यूब, तो वही कितना आ गया 3x क्यूब, ओके, क्लियर है ना बात, ये सभी को आ गई होगी समझ में। लेकिन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, अब fx एंड y देखो एक साथ क्या आ गए, टू वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, तो इसके लिए कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसने इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, क्लियर। अभी तक क्या था, ओनली वाई इज इक्वल टू फंक्शंस मिल रहे थे हमें, ठीक है बात, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमें क्या मिलने वाले हैं, एक्स और वाई मर्ज। अब कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ओनली फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ से चलना पड़ेगा हमें, कि वहां तो वाई था तो हम क्या करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ऑपरेटर अप्लाई कर दिया भाई हमने, तो भाई मैं क्या करूं सबसे पहले डिफरेंस डिफरेंस, ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर कितना लिख सकता हूं भाई, 0, क्योंकि 3 क्या है कॉन्स्टेंट, ओके, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया भाई, वाई स्क्वेयर का कितना आ गया, वाई भी तो एक वेरिएबल है, इसका मतलब एक्स की तरह ही ट्रीट करेगा, एक्स रेज टू पावर एन की तरह, तो पावर इसमें भी क्या होगी, फ्रंट में आएगी, अगर जेड होता तो उसमें भी क्या होता, इम्प्लिसिट फंक्शंस सिर्फ टू वेरिएबल्स पे है तुम्हारे, ठीक है ना बात, 3 पे नहीं है, जेड नहीं है, तो इसका मतलब प्लस में 2y, ओके, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट इनसाइड द पावर टर्म, अगेन y का डेरिवेटिव कितना होगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पक्का मिस्टेक करेंगे, ठीक है ना बात, तो ये नहीं करनी हमें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर है। x में क्यों नहीं आया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीट कर रहे हैं, x का फिर से किया था तो कितना आ गया था, 1 आ गया था, ओके, तो y का डेरिवेशन हम हमेशा क्या लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy by dx की, तो एक तरफ रखते हैं भाई और बाकी को एक तरफ लेके जाते हैं, तो dy by dx कितना आ गया, माइनस के x by 1, ओके, क्लियर, दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है ना बात, क्लियर है सभी को, चलो पैरामीटर्स, ओके, पैरामीटर्स।
अब हमें फंक्शंस पैरामीट्रिकल फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि हम लेट करते हैं ना, कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके वही कंडीशंस है पैरामीटर्स की। एक्स की फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर हमें मेनली दो ही मिलने वाले हैं तुम्हारे एलजेब्रिक में, दो भी नहीं मिलेंगे, विद द फॉर्म ऑफ टी, पी क्यू आर एस टी, यहां तक किसी को भी पैरामीटर की फॉर्म में वो अप्लाई कर सकता है। जैसे कि x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4t क्यूब डबल। अब x और y हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, दीज आर पैरामीटर्स, ओके ये किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, पैरामीटर्स का। यहाँ पे पैरामीटर का काम कौन कर रहा है भाई, टी, ठीक है ना बात। अगर टी रेशियोज की बात हो रही होती तो वहां पे थीटा काम करता है, ठीक है ना बात। यहाँ पे हम पी भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम मेंशन होता है पी क्यू आर एस, इनमें से कोई भी पैरामीटर अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना बात। आर की फॉर्म भी लेते हैं कई बार, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है फाइंड टी वाई बाय टी एक्स, ओके, लेकिन एक्स और वाई किसकी फॉर्म्स में है भाई, पैरामीटर्स की फॉर्म में है, तो हमें अपने आप देखना है कि ये पैरामीट्रिकल फॉर्म्स है, तो पैरामीटर कौन है, टी। अगर मैं एक्स का डेरिवेशन करता हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में करूँ भाई, टी के। वाई का करूँ तो किसके रिस्पेक्ट में करूँ भाई, टी के। अगर हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी कि वाई का डेरिवेटिव किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं एक्स का कर रहा हूँ भाई किसके रिस्पेक्ट में, टी के, ठीक है ना बात। डिफ्रेंसिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ध्यान से देखें भाई, किसका, एक्स का कर रहा हूँ ना, तो क्या लिखूं, टी एक्स बाय में डी टी, जैसा एक्स ट्रीट कर रहा था एक्स रेज टू पावर्स, अब विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टी भी उसी तरह का बिहेव करेगा यहाँ पे, सिमिलर बिहेव, ठीक है ना बात, जैसे वहां पे था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ही हम इसे ऑपरेट करने वाले हैं, तो कितना आ गया भाई, डी बाय डी टी ऑफ टू टी स्क्वायर, ओके। फर्स्ट कंडीशन तो यही थी, तो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर टू इंटू, ये बात क्लियर है भाई, ओके, जैसे एक्स के साथ बिहेव था वैसा ही टी, तो कितना आ गया भाई, 4t, तो ये कितना आ गया, डी एक्स बाई डी टी। अब इसे भी किसके रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे भाई, तो पैरामीटर क्या है, टी है हमारे पास, तो कितना लिखूं, y का विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो गया, डी वाई बाय में डी टी, ओके, डायरेक्ट लिख दें, अब इसे समझ में आ गया होगा सभी को, तो कितना, 12t स्क्वायर, समझ में आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, क्लियर है बात। तो डी वाई बाय डी टी है, डी एक्स बाय डी टी है फर्स्ट एंड सेकंड, हमें जो किस चीज की है वही डी वाई बाय डी एक्स, तो साफ दिखाई दे रहा है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, ओके, तो भाई डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय कितना है, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 12t स्क्वायर बाय में 4t, जैसे ही नीचे से रेसिप्रोकल होगा तो डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3t, ओके क्लियर है, इससे तो हमें क्या लिख दिया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3t, ओके, दैट मीन्स पैरामीट्रिकल फॉर्म्स, अंडरस्टैंड, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स कितना होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ई की फॉर्म है इस बार, ठीक है ना बात, तो ये एज इट इज होता है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सिमिलर यो का, ठीक है बात, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर अप्लाई होता है यहाँ पे, यहाँ पे तो अकेला एक्स था ना, तो तीन चीजों में तीन अलग अलग बातें होंगी, थोड़ा सा ध्यान देना, जब रेज टू पावर्स में थी सर्ट्स की फॉर्म तो इनसाइड द पावर टर्म का अगेन डेरिवेटिव था, एक्सपोनेंशियल है तो रेज टू पावर्स है ओनली, ठीक है ना बात। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी पे एग्जांपल है, अगर मुझे डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स निकालना है भाई, ई रेज टू पावर कितना है,
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है भाई, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा भाई, ई की पावर कुछ भी है उसका डेरिवेटिव क्या होगा एज इट इज, कुछ नहीं सोचना हमें यू का क्यों लिखना है, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ओके। लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर तो इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, नाउ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू कितना आ गया भाई 2x प्लस टू, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया भाई और 2x का तो 1 हो गया, सिर्फ 2 बची, क्लियर है, ओके। इसका मतलब ये बात ध्यान रखिए, पावर मिस्टेक हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास d बाय डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है भाई, ठीक है ना बात, ये भी एज इट इज बट इनटू लॉगरिथम ऑफ a आ जाएगा, ओके, एज इट इज इनटू लॉगरिथम ऑफ a। यहाँ पे फिर से क्या चेंज आता है, अगर यहीं पे एग्जांपल लेते हैं पावर की फॉर्म में, तो d बाय डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यहाँ पे भी अगेन क्या अप्लाई होगी, पावर की फॉर्म, ओके okay? तो एज इट इज भाई a रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू लॉगरिथम ऑफ a, 2 होता तो लॉगरिथम ऑफ 2, 3 होता तो लॉगरिथम ऑफ 3, इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका भाई, पावर का, पावर कौन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया भाई 2x प्लस 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ a इंटू a रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यू गेट द रिजल्ट, ओके क्लियर। डी वाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ x, x यहाँ पे लाइक एज ए एंगल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है ना, तो इसे हम याद रखने के क्या याद रखें, लॉगरिथम ऑफ एंगल, ठीक है ना बात, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय में जो भी एंगल है 1 बाय में x, ओके, लॉगरिथम ऑफ x का 1 बाय x। अब अगर यहीं पे एंगल चेंज होता है, x का अगेन किया मैंने, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल है, ओके, तो देखते हैं फॉर एग्जांपल लॉगरिथम ऑफ x क्यूब का निकालना है भाई, जैसे हमें ओके, तो 1 बाय में जो भी एंगल है हमारे पास कितना x क्यूब, एंड नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, लॉगरिथम में अगेन किसका एंगल का, एक्सपोनेंशियल में किसका अगेन पावर का, ठीक है ना बात, एंड पॉलिनोमियल्स में जब भी कॉमन फॉर्म में रेज टू पावर्स हैं तो अगेन इनसाइड का पावर टर्म, बस ये तीन चार बातें हैं, तो कितना आ गया भाई 3x स्क्वायर बाय में x क्यूब, दैट मींस 3 बाय में x, क्लियर है भाई, ओके ठीक है बस।